कि जो मैं क्षमा जानती कि प्रीत करे दुख हो कि नगर ढिंडोरा में पीटती इजी प्रीत न करियो को। पर कहती है हिर नरम नरम लाई घाल गरम हो कान्हा माखन रोट में और श्याम जिमावे जाटनी एक घूंघट की ओट में। आइए, क्योंकि आजकल तो घूंघट रहा नहीं, आजकल माताएं घूंघट करती हैं, बट उनका घूंघट करना और ना करना बराबर है। अगर वो घूंघट करती है तो उनका फेस दिखता है, और अगर नहीं करती तो दिखता ही दिखता है। तो वो पहले जमाने की जाटनी थी, ऐसी वैसी नहीं थी। आइए कैसे जाती और बताया। हेर नरम नरम लाई घाल गरम कान माखन रोट में, हेर नरम नरम लाई घाल गरम कान माखन रोट में, श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में। तेरा जादू चढ़ जासे सावरिया करूं ओट तन मन तेरा जादू चढ़ जासे धड़ा करूं दीदार तेरा मैं पागल बन सा चढ़ जासे धड़ा करूं दीदार तेरा मैं पागल बन सा चढ़ जासे धड़ा करूं दीदार तेरा मैं पागल बन सा चढ़ जासे धड़ा करूं दीदार तेरा मैं पागल बन सा चढ़ जासे। इतना ही नहीं, अरे दिल हो जासे घाल मेरा नजरा की चोट में, दिल हो जासे घाल मेरा नजरा की चोट में, घूंघट की ओट में, श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में। ये हाँ, बड़ा बेहतरीन भजन बहन प्रियंका चौधरी जी आप लोगों के बीच में रख रही हैं, और इस बेहतरीन भजन पर हमारे भाई जगदीश चौधरी जी, जी हाँ, श्याम जिमावे जाटनी घूंघट की ओट में बड़ा अच्छा भजन है, बड़ा लोकप्रिय भजन ये रहा है। और इस भजन पर भाई जगदीश चौधरी जी 500 रुपए पहले दिए थे और 200 रुपए फिर से हमारी टीम के कलाकारों के लिए देते हैं। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा, बड़े अच्छे भगत हैं, बड़े अच्छे विचार उनके हैं। कहते हैं कि आप सभी यहाँ इतने विद्वान श्रोतागण बैठे हैं, एक 5 वर्ष की आयु की बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हुई जिसने हंसते हंसते विष को पी लिया। कौन थी वो, कौन थी वो जिसने विष पिया था और वही विष ठाकुर जी की कृपा से अमृत बन गया, वो थी मीराबाई। ठाकुर जी को जाटनी कहने लगी कि मैं तेरा इतना दीदार
जाऊं। आइए किस भाव के साथ मनाने लग जाते हैं। डरला के मन सांवरे कदमीरा ना हो जाऊं मैं, डरला के मन सांवरे कदमीरा ना हो जाऊं मैं, भूल चौधरी बाड़ कने तेरे मैं खो जाऊं। अच्छा कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करती हो सुबह शाम, है एक आती चरण स्पर्श कोई नहीं करेगा, गला सब दबा देंगी। अच्छा कोई नहीं, इधर से कोई नहीं है, बट हमारे इधर भाई बंधु जितने भी बैठे हैं, अच्छा चरण दबाने की तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श कौन कौन करता है सुबह शाम को? चलो कम से कम एक दो तो हैं। और माताएं आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पैर तो छू सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी वही सब देखती है जो हम करते हैं। आप नहीं करोगे सेवा तो आगे भी आपकी सेवा नहीं होनी। आइए अंतिम लाइनों के द्वारा भजन के माध्यम से क्या बता दिया। अरे इस ठाणा का रिश्ता रखो ना कच्चा ना पक्का हो, इस